क्या नाम है आपका? आदेश। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम कुदीपुर के। थाना कौन सा पड़ता है? नवागंज। क्या घटना हुई जो इनके फायरिंग हुई, जो भी हुई? सर वो दो तीन दिन पहले गोलीबाजी हुई थी, मैं घर पे थे, मैं इधर उधर दौड़ रहे थे, मगर कल मैं घर पे था, मेरी भाभी लेटरिंग करने गई और वहाँ लेटरिंग करने के बाद मैं वहाँ फायरिंगबाजी हुई और मैं दौड़ के गया, मेरे बीवी बच्चा वो भी दौड़ के गए वहाँ। किसने फायरिंग की? और ये सर मैंने देखा, रात में टाइम था, मैं देखा दौड़ के, तो तक वो बात दे लो। नहीं, फायरिंग किसने की? फायरिंग रिंकू सर्वेश। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम कुदीपुर के। कुछ दिन पहले विवाद हो चुका था क्या? हाँ जी। किस बात को लेकर? वो सर ये बात हुई थी, जैसे प्रधानी के चुनाव को पहले से 2000 रुपये मम्मी मेरी लाई थी, तो मैं ब्याज देने को तैयार हुए थे, मगर इन लोगों ने झगड़ा किया। आपने थाने में सूचना दी? हाँ जी। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने तो यही कुछ अभी कहा नहीं कि इनको अस्पताल पहुँचाइए, अब देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। ग्राम कुतुबुद्दीनपुर थाना नवाबगंज में रिंकू यादव पुत्र रामवीर यादव ने करीब 2 वर्ष पहले अपने गांव के ही प्रवेश यादव पुत्र महेंद्र यादव को 2000 रुपये उधार दिए थे। इस उधार वापसी को लेकर दोनों परिवारों में विवाद चल रहा था। दिनांक 12/11/2021 को रात्रि लगभग 8 बजे दोनों पक्षों में विवाद, और उस विवाद के दौरान सरोजनी देवी पत्नी रामवीर यादव को फायर लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई, सरोजनी देवी का मेडिकल लीगल परीक्षण कराया गया और इस प्रकरण में FIR दर्ज की गई। इसी घटना के क्रम में कल 15/11/2021 को रात्रि लगभग 11 बजे दूसरे पक्ष की पुष्पा देवी पत्नी प्रवेश यादव को फायर लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी कायमगंज थाना अध्यक्ष नवाबगंज द्वारा मौके पर जाया गया और पुष्पा देवी का मेडिकल लीगल परीक्षण कराया गया। ये फायर की घटना कैसे कारित हुई इसकी जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था है, लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। We'll be right back.